मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे, वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे। बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ नांडू नबे, काहे दिया परदेस, काहे दिया परदेस, काहे दिया परदेस, काहे दिया परदेस। हाँ आराम से आराम से। हाँ चलो। ओ ओ दुखी आत्मा, तुम्हारा हुआ कि नहीं, जल्दी करो ना सब। भाई साहब भाई साहब। हाँ हाँ छोटन बोलो। अरे भाई देखो तुम्हारा कुछ सामान यहाँ छूट गया है तो देख लो फिर। हाँ हाँ वो हम देख लेंगे। हाँ। ये पहले फोन लीजिए। अरे किसका फोन है, क्या दोना कि अभी हम व्यस्त हैं, बात नहीं करनी। भाई साहब हम नहीं कह सकते। क्यों? अम्मा जी का फोन है। अम्मा? हमें नहीं पता भाई साहब, 3 बार फोन करके पूछ चुकी है, आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है, अब कितनी बार टाले। हाँ माँ प्रणाम। खुश रहो, जय गंगे। एक बात बताओ माता प्रसाद, वहाँ मुंबई जाके तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं का, जो चौमासे में घर बदल रहे हो? अरे जानत नहीं हो, चौमासे में पंछी भी अपना घर नहीं बदलते, ये तो हमार मुन्ना है, हैं? ऐसे कैसे हिम्मत हो गई तुम्हारी? जी अम्मा वो। अरे अम्मा जी छोड़ो चोरी के गुलाम, 1600 किलोमीटर जा के बैठे हो लेकिन वहाँ भी अपनी जोरू के इशारे पे नाच रहे हो। मान गए भाई, ये जौनपुर वाली ने अच्छी नकेल डाली है तुम्हारी नाक में। नहीं अम्मा ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम तो चुप ही रहो। तुम बताओ माता प्रसाद, वहाँ ऐसा कौन सी आग लगी है जो ये चौमासे में घर बदला जा रहा है, वो भी हमसे पूछे बिना, हमसे मशवरा किए बिना? जानते हैं कौन पट्टी पढ़ा रहा है तुम्हें? अम्मा ऐसी कोई बात नहीं अम्मा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर काहे किए जा रहे हो मनमानी? देखो कहे देते हैं, इस चौमासे में मुन्ना का घर नहीं बदला जाएगा। अरे बड़ा अपशकुन होता है। जी जी अम्मा। जी नहीं जी हाँ। अच्छा रखते हैं, प्रणाम अम्मा, जय गंगे। खुश रहो खुश रहो। जय जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। लगता है तुम्हारा टिकट कटवाना पड़ेगा। चोर चोरी से जाए, फेरा फेरी से न जाए, वहाँ बैठा है मुंबई में माता प्रसाद हैं, और यहाँ तुम उसे नाच नचा रही हो। डुग डुगी तुम यहाँ बजावत हो और वहाँ नाचत है बंदर कहीं का। लेकिन सब जानते हैं कि चाबी यहीं से भरी जा रही है, इसकी वजह से कोनो भी परेशानी हुई और गड़बड़ हुई ना तो हमसे बुरा कोई ना हुई है। हम तो। अरे चुप कर, नहीं सुननी हमें तेरी चबर चबर। सिर दुखने लगा हमारा, अब चाय देगी कि हमारी जान जाने की राह देखेगी? जी बस अभी लाते। और सुनो, पहले हमारे लिए चाय लेके आना और फिर फुलवा लेके कमरे में अपने आदमी के साथ गुटरगो करना, समझी? जाओ जाओ। शेरा वाली मोह दर्शन तो करा दे, थोड़ा आशीर्वाद दे दे। भाई साहब रुको रुको, सामान यहीं रहने दो। भाई साहब बोल रहे हैं अब शिफ्टिंग कैंसिल, हम यहीं रहेंगे। जो सामान ले गए वो ले आओ वापस। नची ऑफिसला जाता जाता शिवला भेटून जा, त्याने खूप केलंय आपल्यासाठी। आपल्यासाठी
बघ निशा, मला ना उशीर होतोय, बघू नंतर. नची ठीक आहे, भेटतो. बघू 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 येतो मी. गौरीची आई, अरे तुला कसं कळलं मी आली आहे? तुम्ही काहीतरी मागायला आला असाल म्हणून. चूक. चल अजून एक चान्स सांग, मी काय आली आहे? तुम्हाला काहीतरी द्यायचं असेल म्हणून आला असेल. ओके, परत चूक. इतका कसं रे खुला तू, काहीच कळत नाही तुला. तुमचा खेळ संपला असेल तर काय पाहिजे तेवढं सांगा. सरिता बघ जरा. हो गौरीची आई, मी हे सांगायला आली आहे की शिव आता घर सोडून जात नाहीये. हो का? काय? हो ना, अहो टेम्पोत भरलेलं सामान पण त्यांनी बाहेर काढायला घेतलंय. चाललंय यांचं काहीच कळत नाहीये, चालले काय राहिले काय. पण काय गौरीची आई, त्यांना आता टेम्पोचं भाडं द्यावं लागेल ना. तुमच्याकडे मागितले का त्याने पैसे? काय नाही नाही, बरं येते आम्ही. दार जरा हलवा, तोडा दार, तोडायचं दार तोडून हातात देणार बाई आपल्याला. तर पाणी आण. पाणी आण ना, लक्ष कुठे तुझ? हो आणते. ए मुंबईची मुलगी, मी नाही जाते. हमारे बाबूजी अनजाने में भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे हमारा दिल दुखे. अरे एकदा आपण देवळात जाऊन येऊया दोघी जणी. देवळात? कधी? कधी असं नाही गो, तुला जेव्हा वेळ मिळेल ना तेव्हा जाऊन येऊ आपण. देवान माझं ऐकल्यान. काय ग, असं काय मागितलं होतंस की ते पूर्ण झालं? अगो काही विशेष नाही गो, शिव आहे ना आपला, तो हसून चाललेलो, सगळं सामान बिमान भरले नाही त्याने. पण मका खूप वाईट वाटला गो, हसून जाऊ नये असंच वाटला, वाईट वाटला खूप मका. तुला पण वाईट वाटलं ना गो? मला अजी म्हणजे ते गौरी माका सांग, जायचा म्हणून टेम्पो आणले नी, सगळं सामान भरले नी, आणि जाता जाता थांबले सर गेलेत नाय. हा असा कसा गो? मला नाही माहित ना अजी. जे होता ना ते चांगल्यासाठीच होता. कसा दे टाळी? अगो दे. गौरे का जाऊ दे गो, माका सांग तुझ्या आईशी काय झाला? काय झालं? अगो काय झालं म्हणजे, दोन चार दिवस बघतोय मी, चित्त नाही तिचं कशा, तड बोलत नाही, हसत नाही. विचारलं काय झालं बाबा, तर काय सांगतच नाही. गौरे तुला कसं कळलं नाही गो? आजी ते काय झालं, काय करायचं आहे का? बघ इली आता तिका तिच्या. अरे अगो मी तुझ्याबद्दलच आता बोलत होते गौरी, काय झालंय आमका सांग बघू दोघीं का. काय लपवू नकोस हा आमच्यापासून. नाही नाही बघलं गौरे, लपवता ते आपल्यापासून. काय गो मी खुश वाटते का तुका? अग मी सांगितलं ना काही झालेलं नाहीये, मी बरी आहे. असा काय? काय करतेस तू? अरे
असं कधी मी केलं नाही, पण आता माका करावं लागता. सांग मला काय झालं ते. गौरीची शपथ आहे तुका, तिच्या डोक्यावर तू हात ठेवला, काही लपवू नकोस माझ्यापासून. अरे वो माका तुला असं बघवत नाही गो, काळीच तुटता माझा. गौरी गो तूच विचार तुझ्या अंशी काय झाला. ता सरू आता तुका सांगावत लागल. हा गौरे गो गौरे आता ह्याका काय झाला. अहो चाललाय काय तुमचा दोघींचा, माका काहीच तुम्ही सांगत नाही. हा कोण नाही काय गो मी घरातली, माका सांगायचं नाही तुमका. जाऊ दे अगं, वृद्धाश्रमात जाताय. अगं तू काय बोलतेस आई, शांत हो जरा शांत. अगं मी सांगते तुला, पण वचन दे हे तू कुठेही काही बोलणार नाही. नाही के नाही बोलणार, तू सांग माका. देव पावला गे बाय, त्याजीश मी देवा बोललेले शिव सारखं जावय माका होय. देवान माझं ऐकलं गे बाय. अगं हळू बोल ना तू, हळू बोल. अहो हळू कशा, मोठ्यान बोलूचा. हमको शिव जावई है. आई आई तू शांत हो जरा, आणि माझ्याशी मराठीत बोललीस तरी चालेल. अगं एवढा काय आनंद झाला तुला. अगं गौरीला शिव आवडतो ठीक आहे, पण हे शक्य नाहीये. काय अशक्य उसमे, व आपल्या तो जातीचा नाही आपल्या भाषेचा नाही म्हणून जग खै चालला मंगळावर, आणि तुम्ही तुम्ही डोंगरावर शेकोट्या पेटवा. खरंच तुला काही सांगायला नको होत. काय बोलतेस तू, तू आवर जरा स्वतःला ठीक आहे. घाई करायची नाहीये, तुला माहितीये ना गौरीचे बाबा कसे आहे, त्यांना हे लग्न आवडणार नाहीये. कळलंय तुला? काका सांग तुला आवडलो ना. माझ्या आवडण्या ना आवडण्याचा प्रश्न येतोच कुठे. मला एवढंच कळते की हे लग्न शक्य नाहीये. अगो मी बोलते जावे बापूंशी, माझ्या ऐकण्याबाहेर नाही ते. अगं गप्प बस ना, आता काही बोलू नकोस म्हणून मी तुला सांगत नव्हते. आणि त्या गौरीन पण माझ्यापासून लपवलंय, बघतोय मी तिला आता. अरे पण काहीतरी गोडाचं करू, खोय शिरा करू. नाही नाही काहीही गरज नाहीये, काहीही गरज नाहीये. शांतता. हा काहीही असं करायची गरज नाही, मी कोणा काही सांगणार नाहीये तुला. तू सध्या काही बोलायचं नाहीये. हा मी हात जोड, काही बोलायचं बर. नाही नाही बोलूची नाही मी, पण माका सांग गौरी खय. हा बघतोय तिला आता मी. माका वाटला होता हा काहीतरी गडबड, हा काहीतरी गोडाच करू होया आता. ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए. अरे शिव जल्दी करना यार, अयो मला पण ऑफिसला जायचंय. हा मालूम आहे तू खुश आहे खुश आहे. ए शिव कोणी का प्लॅन डल का गया, तुला काय बाथरूम मध्ये राहायचंय काय. शिव हॅलो, बस 2 मिनिट आ रे. अरे मुन्ना मुन्ना, बाबूजी वो अंदर गाना गा रहे हैं, नहीं आ रहे वो. शिव ओ तो बॉस का फोन. हाँ जी सर जी नमस्ते, कैसे हैं आप, हाल चाल बढ़िया. अरे नमस्ते नमस्ते, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है. हमारी तबीयत हाँ ठीक ही है, मतलब बस ईश्वर की मर्जी. वैसे शुक्ल जी, शिव ने जब हमें बताया तो हमने पूरी कोशिश की, मेल भी भेजे, लेकिन अब ये ट्रांसफर कैंसिल नहीं हो पा रहा है. अरे क्या है यार, चल ट्रांसफर कैंसिल नहीं हो पा रहा मतलब, जरा जरा विस्तार से बताइए जरा. जी शुक्ला जी, उस दिन आप ऑफिस आए थे, आपके मेडिकल ग्राउंड पे आपने शिव की ट्रांसफर की बात की थी. हाँ. रिक्वेस्ट हमने हेड ऑफिस में भेजी थी और रिक्वेस्ट मंजूर हो गई, ट्रांसफर ऑर्डर्स भी आ गए, लेकिन अब शिव बता रहा है कि आपकी तबीयत एकदम ठीक है, ज्यादातर आपका इलाज मुंबई में होगा, सो ट्रांसफर कैंसिल करवा दे.
मैंने कोशिश की लेकिन शुक्ल साहब ये ट्रांसफर कैंसिल नहीं हो रहा है। सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हेलो शुक्ला जी। हेलो सर। हाँ जी ठीक है सर, अब आपने कोशिश की और नहीं हो पा रहा है तो क्या कर सकते हैं, आपने तो ठीक है सर, आप टेंशन मत लीजिए, अब फिर कभी हम और मुन्ना मतलब शिव और हम बनारस से मुंबई आएंगे तो मिलेंगे आपसे। ठीक है जी, धन्यवाद जी, नमस्कार। ठीक कितना झूठ बाबू जी, आप हमारी शादी किसी और लड़की से करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम गौरी जी से दूर हो जाएं, इसीलिए एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं। कितना झूठ बाबूजी, झूठ बेटा, झूठ तो तुमने भी हमसे कम नहीं कहा है हुँ? और हमें सुना रहे तुम, ये झूठ नहीं है कि तुमने अपने ट्रांसफर की बात हमसे छुपाई, अपना ट्रांसफर रुकाने के लिए अपने बॉस को कहा। तो क्या बताते हम आपको, ये ट्रांसफर आपकी झूठ की बुनियाद पे हुआ है ना, तो ये बताते कि ऐसा ट्रांसफर नहीं चाहिए हमें, यहाँ से नहीं जाएंगे हम। क्या करें, अब ट्रांसफर तो रुक ही नहीं रहा है, जाना तो पड़ेगा, और वैसे भी ये हम नहीं, तुम्हारे बॉस का कहना है। ये सब उस झूठ की वजह से हुआ है, आप सीधे हमारे ऑफिस में चल के आ गए और हमारे बॉस से बात कर ली। अब आपको लगेगा कि हम आपकी बात माने, हम आपके हिसाब से अपनी जिंदगी जिए, हम आपके हिसाब से अपनी नौकरी करें, आपके हिसाब से शादी करें, पाला है ना आपने हमको, हम तो आपके गुलाम हो गए ना। बस बस मुन्ना, और इल्जाम नहीं सह सकते हम, एक तो ये तुम्हारे माँ बेटे के बीच में फंसकर हम त्रस्त हो गए हैं, थक गए हैं हम, ना तो झूठ बोलना हमारी फितरत है और ना ही किसी पर किसी बात की जबरदस्ती करना। तो कर तो रहे हैं आप, ये सब आपकी वजह से ही तो हो रहा है, तुम्हारी अम्मा के दबाव में आकर उनके कहने पर, लेकिन तुम हमारी मजबूरी नहीं समझोगे, जब तुम्हारी शादी होगी ना, चाहे किसी से भी हो, राधिका से हो, गौरी से हो, शादी होगी तब समझोगे तुम कि पति की समस्या क्या होती है। इतने बरसों से हमारी अम्मा और तुम्हारी अम्मा के बीच में पिस रहे हैं हम, अब ये तुम दोनों के बीच में फंस गए हैं, क्या तुम सुनाते हो, वहां तुम्हारी अम्मा सुनाते, और नहीं तो वो राधिका के बाबूजी सुनाते, और कुछ बच जाए तो ये छुट्टन ये ज्ञान देने लगता है। हम क्या साला सबकी बातें सुनने के लिए पैदा हुए हैं, बस बहुत हो गया। देखो तुम्हारी अपनी जिंदगी है, या तो अपनी मर्जी से जीना है या अपनी अम्मा की मर्जी से, सोच लो तुम, तुम्हें जो करना है करो, लो लो ये बात करो, तुम अपनी अम्मा को फोन लगाओ, और अगर हिम्मत है ना तो बोल दो उन्हें, ना तुम्हें ये ट्रांसफर चाहिए, ना तुम्हें शादी करनी है, और ना ही यहाँ से शिफ्टिंग करनी है, लो कर लो बात, बस बहुत हो गया, हमें ना अपने इस झंझट से मुक्त कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, तुम्हें जहाँ शादी करनी है कर लो। बाबूजी, बाबूजी आप अभी ये बात कह रहे हैं, बाद में इस बात से मुकरना मत, आपको दादी और अम्मा की कसम है। हाँ हाँ नहीं मुकरेगी। पक्का? देखो सोच लो, हम तो बात कर लेंगे, हम में तो हिम्मत है, हम तो सीधे सीधे कह देंगे कि हमें बाबूजी ने इजाजत दे दी। हाँ हाँ जिससे कहना है जो कहना है कह दो। अरे मुन्ना जल्दी फोन लगा, भाई साहब का आदेश है, टाल नहीं सकते। हाँ शिव ते लाओ ना फोन, बाबूजी चेदर पटकन लाउन टक। हाँ हाँ फोन लगाते हैं ना। मुन्ना सुन सुन बात सुन, एक मिनट बात सुन लो, बात सुन लो। देखो देखो क्या है बेटा कि भावनाओं में बह के आदमी के मुंह से कुछ बातें निकल जाती हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत उस पर अमल करना शुरू कर दो है। देखो ऐसा है कि तुम बस ना हमें इस झंझट से मुक्ति दिला दो, बस और कुछ नहीं। कह रहे मुझे बताया नहीं, काय 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 बताया नहीं। हाँ दवाई बापू, तुम्हारा डब्बा घेऊन जाओ। काय नवीनास, हिंदी जगह चिंता करायचे ठरवलं का काय? अहो असं कसा करतलाय मी, आता हिंदी भाषा आपली झाली घरची। घरची? हाँ म्हणजे अजून झाली नाही पण होतली,
अहो तुम्ही हिंदी कार्यक्रम करता ना म्हणून म्हणते ती ना अच्छा मी इतके दिवस हिंदी कार्यक्रम करतोय आज आणि घरची भाषा वाटायला लागली शिकायचे का शेजारी आहे गुरुजी बोलू का त्यांना नको 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 माझं जावई मका शिकवताना ते मका पुरेसा चांगलं बोलायला गेलो ते वाकड्यात शिरतायत असं त्यांना तुम्ही का लक्ष देताय तुम्हाला उशीर होत नाहीये का तुम्ही निघा ना डब्बा खाना टाकना नाही तुझ्या बरोबर बोलूचा मका मला उशीर होतोय ऑफिसला निघायचंय नंतर बोलूयात ना आपण दोन मिनिट से काही उशीर होत नाही चलो अग चलो अग चलो हे नवीन काय सासूबाईंच एकदम हिंदीवर घसरले सकाळी सकाळी मला नाही माहिती